ग्वालियर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दिए जाने को लेकर इलेक्शन कमीशन का सही फैसला बताया है। सिंधिया ने उम्मीद जताई है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में प्रदेश में तेज गति से विकास कार्य होंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे बाला साहिब ठाकरे की विरासत संभालने का काम कर रहे हैं। सिंधिया ने उम्मीद जताई है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में प्रदेश में तेज गति से विकास कार्य होंगे। विगत दिवस कोनों में अफ्रीका से आए 12 चीतों का सवाल पूछने पर उन्होंने खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। बाला साहब ठाकरे जी की जो विरासत है, एकनाथ शिंदे जी, शिवसेना शिंदे साहब की गुट की पूर्ण रूप से उस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है और उसी के साथ महाराष्ट्र की जनता, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे साहब की गठबंधन के आधार पर विकास और प्रगति के राह पर अग्रसर हो रही है। महाराष्ट्र के दो लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा और गृह मंत्री जी के द्वारा मुझे दी गई है। मेरा हर माह वहाँ प्रवास हो रहा है और जिस तीव्र गति से हम लोग विकास और प्रगति दोबारा महाराष्ट्र में शिंदे साहब और फडणवीस जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के साथ, चाहे हाईवेज की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, नई नई योजनाओं की बात करें, एक नई तीव्र गति ला रहे हैं। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र भी उस प्रथम पंक्ति में जैसे सर्वश्रेष्ठ रहा है वैसे ही रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और विचारधारा भारत को विश्व पटल पर उभारने की है। पहली किस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कूनों में 8 और अब 12 चीते अफ्रीका से आए हैं। जिस स्फूर्ति के साथ चीतों ने कूनों में कदम रखा है, उससे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश और कूनों का नाम विश्व पटल पर पहचाना जाएगा। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और विचारधारा के आधार पर है। जरा शांत हो जाओ भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और विचारधारा भारत को हर क्षेत्र में विश्व पटल पर उभारने की सोच, पहले किस्त में प्रधानमंत्री जी के सालगृह पर 8 चीते कूनों में आए थे, अब परसों 12 और साउथ अफ्रीका से चीते आए हैं। C-17 ग्लोब मास्टर को लेकर उन 12 चीतों को लेकर आया और जिस फूर्ति के साथ नए वातावरण में, पूर्ण रूप से एक जोशीले वातावरण में और जोशीले स्वभाव के साथ उन चीतों ने भी हमारे कूनों के वातावरण को अपनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब 12-20 की संख्या हो गई है, उसके आधार पर आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के नहीं, देश के नहीं, लेकिन विश्व के पर्यटक कूनो पालपुर आएंगे। एक और स्तंभ प्रधानमंत्री जी ने भारत की आधारशिला का विश्व पटल पर स्थापित किया है और उनको तहे दिल से हम धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दिए जाने को लेकर इलेक्शन कमीशन का सही फैसला बताया है। सिंधिया ने उम्मीद जताई है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में प्रदेश में तेज गति से विकास कार्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।